वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर फोर्थ स्टैंडर्ड। देखो अपन हिंदी की दूसरी इकाई का छठा लेसन देखेंगे। माँ माँ तो सबको पता है, माँ यानी घर में सबकी माँ रहती है मम्मी। ओके, जैसे अपन अम्मी मम्मी बोलते हैं तो हिंदी में उनको क्या बोला जाता है? माँ। और मराठी में क्या बोला जाता है? आई। ओके, और भी ये लेसन में क्या दिया है वो अपन पढ़ेंगे। देखो, दोनों यह खुशी और आनंद की माँ है। ये जो है ये खुशी और ये आनंद की क्या है? माँ है ना। ये देखो, ये खुशी नाम की लड़की है, ये आनंद नाम का लड़का है, इनकी क्या है? ये माँ है। दोनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है, सब जन अपनी माँ से क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं ना। ये दोनों भी क्या करते थे? अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। दोनों माँ के साथ बाजार गए थे। दोनों कहाँ गए थे? माँ के साथ बाजार। जैसे अपनी देखो, स्कूल छुट्टे टाइम 5 बजे या मम्मी अपन को क्या करती है, चलो स्कूल में लेने के लिए आ जाते हैं छुट्टने के टाइम पे, और जाते आते हैं मार्केट करा लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं? मम्मी के साथ बाजार चले जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, आनंद ने बाजार से बॉल खरीदा। ये जो आनंद नाम का लड़का है उसने बाजार से क्या खरीदा? बॉल खरीदा। बॉल पता नहीं, देखो उसके हाथ में बॉल दिख रहा है, उसने वो बाजार से खरीदा। खुशी ने रैकेट खरीदी। खुशी ने रैकेट, रैकेट का मतलब ये बैडमिंटन, जैसे अपन बैडमिंटन खेलते हैं अपने घर में रहता है ना, तो तुम लोग ज्यादा करके देखो ईद में खेलते हो, तो रैकेट मतलब ये रैकेट बैडमिंटन। ये किसने खरीदी? खुशी ने। खुशी ने क्या खरीदी? रैकेट। और आनंद ने क्या खरीदा था? बॉल। दोनों खिलौने पाकर खुश थे, है ना। दोनों खिलौने पाकर क्या थे? खुश थे। दोनों, इसको अपनी पसंद का बैडमिंटन मिला, इसको अपनी पसंद का बॉल मिला, दोनों भी खुश हो गए। अभी तुम लोग भी बाजार में जाएंगे, अगर तुम दोनों भाई बहन या बहन बहन कुछ भी जाएंगे तो मम्मी एक ही चीज दोनों को नहीं देती, दोनों को अलग अलग चीज देती है ना। और तुम लोग क्या करते हो? जो भी खेलने की चीज लेते हो वो उससे बहुत तुम लोग खुश हो जाते हो। ऐसा तुम लोग को लगता है कि कभी घर जाओ और कभी वो चीज से खेलू। नेक्स्ट देखो, बाजार अनेक वस्तुओं से सजा था। देखो बाजार में क्या हुआ था? अनेक वस्तुओं से सजा था। जैसे बाजार में तुम लोग को पता है खाने पीने की चीज, कपड़े की चीज, है ना, सब सब खिलौने टॉय जो भी उनको घर में सामान जो आता है वो सब बाजार से ही मिलता है। तो बाजार में सब चीजें मिलती है, इसलिए क्या बोला गया है? बाजार अनेक वस्तुओं से क्या हुआ था? सजा था। तीनों पैदल घर की ओर चल पड़े। देखो ये जो तीनों है, तीनों कौन? आनंद, खुशी और उसकी मम्मी, ये तीनों जन क्या हुए थे? घर की ओर मतलब बाजार से निकले थे घर जाने के लिए। कैसे निकले थे? पैदल यानी बाय वॉक। ओके, माँ ने खुशी का हाथ पकड़ा था। देखो माँ ने क्या किया था? खुशी का हाथ पकड़ा था। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसकी मम्मी ने, उसके माँ ने उसका हाथ पकड़ा है और तीनों पैदल घर जाने के लिए क्या हो गए? निकल पड़े है। ऐसे वो तीनों जन बाजार में गए और मम्मी ने उन लोग को क्या दिया? अपने अपने पसंद का खिलौना दिए। क्या खिलौना दिए थे? खुशी को बैडमिंटन दिया था और आनंद को क्या दिया था? फुटबॉल। बॉल दी थी, सिर्फ बॉल ही लिखा है, फुटबॉल नहीं दिया है, तो बॉल दिया था, है ना। तो वो दोनों क्या थे? खिलौने पाकर खुश थे। और ज्यादा करके तुम लोग को तो पता है कि मम्मी डैडी क्या करते हैं? बच्चों के बहुत लाड प्यार करते हैं। बाजार में जाएंगे, किधर भी लेके जाएंगे तो अपन जिद क्या करते हैं? खाने पीने की जिद नहीं करते, ज्यादा करके खेलने के मतलब खेलने की जो चीज रहती है वो लेने की अपन क्या करते हैं? जिद करते हैं। ये तो सबको ही पता है ना। और फिर मम्मी डैडी अगर कहीं बाहर जा रहे बाजार में तो अपन जिद से उनके पास जाते हैं कि मम्मी मेरे को भी लेके चलो। ओके, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। रीड करने की इसको कोशिश करो।